ये लोग हॉल रोड में भी शुरू हो गए हैं। हमने अपनी एक सीएम बीच में डाल दी कि जी हमें सुना जाए, हमारी तो इस चीज माल रोड की इंक्रोचमेंट में आती नहीं। हम 1947 मतलब पार्टीशन से मेरे वाले साहब आके बैठे हैं यहाँ पे, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है इसके अंदर। मतलब पाकिस्तान बनने से पहले किस तरह की थी वो, उसको भी आज हमने डिफेंड किया इनके 1921 के नक्शों को हम लोग, कि उसमें ये बिल्डिंग का मैप ऐसा नहीं है। हमने अपनी अपनी चार पटिशनें हमने डाली हैं, हमने उन्होंने कहा कि जी माल रोड की पटिशन है, बहुत लंबा ऑर्डर था जी। इन्होंने कहा कि जी अब मुझे नहीं पता, आप देखें अब उन्होंने माल रोड का कहा हो, अब उन्होंने हॉल रोड पे भी आकर शुरू कर। मैं कहता मुझे रिटर्न ऑर्डर जो आज हुआ, बड़ी लंबी बहस हुई है शाह जी, 1.5 घंटा बहस हुई है। ये भाई भी हमारे पास मौजूद थे, मैं इनके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूँ कि हम लोग 4 बजे कोर्ट से निकले हैं, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया हुआ तो उस ऑर्डर में सारा स्पेसिफाई किया होगा ना। ऑपरेशन तो माल रोड का चल रहा है, हॉल रोड की तरफ शुरू हो गए हैं। आपको जो बात बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि हमने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे दिए हमने। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि ये लोग जो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि इनको ऑर्डर प्लेस हुए हैं, इनका पर्सनली इनका कोई नहीं है। नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन और पटिशन माल रोड की चल रही थी, अब उस ऑर्डर के अंदर आया कि हमारा हॉल रोड की ये चार दुकानों को लिख दिया, स्पेसिफाई किया कि नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ तो हम लोग कर देते हैं पीछे, हमें रिटर्न ऑर्डर दे दें। हमें आप लोगों ने यही बताया कि ये चार दुकानें हैं, सीएम कल डाली, जाहिर साहब ने कल आप मुझे बात कर लें, कल ऑपरेशन करना था, कल 3 तारीख थी, आपके कहने के मुताबिक आपके एफिडेविट पे जिस पे लिखा हुआ है कि हम 3 तारीख को खुद से काम शुरू कर देंगे इसको पीछे करने का, मेरी बात सुने? मैंने नहीं दिया हुआ एफिडेविट, मैंने नहीं दिया हुआ, ना मेरे पिटीशन। आपकी बात तो मेरे पीछे रह गई, आपने किससे बात की है? बट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस बिल्डिंग समवन हैज गिवन दैट एफिडेविट। हमने एफिडेविट दे दिया तो फिर आज हम कोर्ट में किस लिए बहस करते जाके हम लोग, समझे? 3 तारीख तक आपने टाइम लिया, उसमें 3 तारीख को कल ऑपरेशन करना था। मैंने कोर्ट रिक्वेस्ट बार बार ये है कि अगर आपने इन चार दुकानों की, हमारी सीएम का फैसला अगर हो गया आज 3:30 बजे तक, हम लोग आप तो 3 बजे चले गए थे, हम लोग 3:30 से लेके 4:15 बजे तक हम लोग 4 बजे तक बैठे रहे हैं वहाँ पे, जाए सब उठ के चले गए। मुंशी ने कहा कि जी अभी तक ऑर्डर कोई नहीं हुआ हुआ, हमारे ये कहते हैं कि पूरे ऑपरेशन के अंदर हमारी जो चार जो हमारी पिटीशंस थी, अगर तो उन्होंने कोई रिटर्न ऑर्डर हमारे पे लिखवा दिया, डिसमिस भी कर दिया, किस ग्राउंड पे किया है वो, अगर कर भी दिया है हमें, हमारा राइट बनता ना कि जी ये रिटर्न कोर्ट का ऑर्डर है। सर वैसे मैं नहीं कहता, मेरी बात को माने। एक मिनट, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, माल रोड के जो ऑर्डर है ना वो ये सुबह खान, ये पहले होता था सुबह खान, आई वॉज इन चाइल्डहुड, तो ये होता था सुबह खान, सुबह खान टेलर, यहाँ तक माल रोड का ये कॉर्नर एच जाता था जिस पे बरामदे आते थे, फॉल करते थे, जो इस साइड पे ना बरामदे फॉल नहीं करते थे, मगर हमारी बदकिस्मती ये है उधर इन्होंने इनके वकला से बात डिस्कस की है। बात ये आपके लिए समझाने के लिए, मुझे बात भी करने दें, आप सुनते काम है ज़रा। बात सिर्फ इतनी है, जब रिलीफ मिले किसी की भी बेल अप्लाई हो तो डिसमिस जब होती है तो वो अनाउंस ही होती है और वो बंदा अंदर ही रहता है, ऑपरेशन जारी ही रहता है, रिलीफ मिले तो ब्लैक एंड वाइट की जरूरत पेश आती है। हम जो कर रहे थे उन्होंने कहा, इन्होंने एप्लीकेशन दी डिसमिस, ब्लैक एंड वाइट आता रहेगा, कल मिल जाएगा आपको। बताने के अगर उन्होंने सीट के ऊपर ही उन्होंने ऑर्डर किए हैं, अगर वो सीट पर बैठे हल्फन दे दें मैं सारी बिल्डिंग करा दूंगा मैं, अगर उन्होंने सीट बैठ के अगर ऑर्डर किए उन्होंने, अगर वो बेल डिसमिस करते हैं ना तो जज अपनी सीट पर बैठ के ऑर्डर अनाउंस करता है। अगर उन्होंने, सर मैं सवाल कर लूँ आपसे, मैं चाहे आप इतनी देर से आपस में बहस कर आप हल करने के लिए, एक मिनट, जज साहब का चैम्बर में किसी को दिए हुए रिमार्क्स और ऑर्डर का दर्जा रखता है, कोर्ट इसको नहीं मानते, हो गया कोर्ट टाइम खत्म हो गया, उन्होंने जज साहब उठ के चले गए हैं, कोई ऑर्डर नहीं हुआ अभी तक, नहीं वो चैम्बर में बुला के अगर वो ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर नहीं होगा, ये लोग नहीं मौजूद थे ना, उन्होंने मुंशी साहब ने बताया कि जज साहब चले गए हैं, सुबह लिखवाएंगे ऑर्डर, अगर ऐसा ना हुआ जैसा ये कह रहे हैं तो कल आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाके इनको अंदर करवा देंगे, दोबारा बिल्डिंग रिस्टोर कर देंगे मेरी, ये सारा कुछ करवाएंगे, अगर लिखा हुआ है तो हमें दे दें एटलीस्ट, अगर हमें जाके सुबह टाइम पे जाके उस ऑर्डर को चैलेंज कर लेंगे हम लोग, उन्हें बता देंगे जी। क्रेन ने जी थोड़ा डिस्कशन को नॉर्मलाइज करवाया और थोड़ी सी प्लेस हम लोगों ने चेंज की है ताकि क्रेन के हत्थे ना चढ़ जाए हम सारे। अच्छा जी आप कुछ कहने लगे? अच्छा सर ये मैं ये कह रहा था कि ये ऑपरेशन तो हो रहा है जो एज पर जज साहब के ऑर्डर के मुताबिक आप कह रहे हो रहा है,
मगर देयर आर लॉट ऑफ प्लाजा जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हुआ हुआ है, उसके लिए क्या ऑपरेशन है? ये अच्छी बात है, आप उसके लिए कोर्ट में आ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लाजा जो यहाँ पे गलत हुआ हुआ है, और इन माय नॉलेज जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, ड्यू टू दैट के आई एम बाय बर्थ फ्रॉम हेयर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉर्नर जो था, ये कॉर्नर की तरफ आप कैमरा करें आप प्लीज, ये कॉर्नर जो था, ये कॉर्नर सुबह खान का, ये माल तक का था। अच्छा, ये माल तक का था, ये कॉर्नर माल रोड का है, हमारी बिल्डिंग हॉल रोड के अंदर है। यही हम कह रहे हैं कि अगर हमारी बिल्डिंग स्पेसिफाई ऑर्डर उन्होंने कर दी, अगर ये भी मेंशन किया हुआ है, तो अगर कर भी दिया तो हमें कम से कम टाइम तो दें भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराना कोई मामूली बात तो नहीं है, तो बिल्डिंग नीचे आ जाए हमारा। दो मिनट के लिए मैं ये कह रहा था कि आप मुझे ये बताएं ना कि अगर आपने हॉल रोड पे ऑपरेशन करना है तो हॉल रोड पे बाकी के प्लाजोस का क्या करना है? सब पे होगा, मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें जो कर रहे हैं, मसलन ये बोर्ड्स का हम कल परसों काम कर रहे थे। सर अभी ये दो दिन पहले एक आग लगी यहाँ पे एक प्लाजा में, उससे कोई महीना पहले एक प्लाजा में आग लगी जॉइंट वेंचर, तो वो प्लाजो में आग लग रही है वो ड्यू टू दैट के वो जी इंक्रोचमेंट है और नाजायज़ हुआ हुआ है, वहाँ पे ना कोई पार्किंग का इशू कोई है, ना कुछ है, ना प्रॉपर वायरिंग है, ना वापडा है, तो ये हम लोग सिर्फ ये जस्ट जो नज़र आ रहा है, फिजिकली जो नज़र आ रहा है, हम उस बिल्डिंग के पीछे पड़ गए हैं, बाकी का क्या करेंगे आप? सॉरी मैं आपका नाम भी भूल गया हूँ, आप शाह इस्लाम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल रोड। बात यह है कि असल टॉपिक से ज़रा आगे निकल गए हैं आप, थोड़ा सा 15 किलोमीटर आगे, 15 किलोमीटर आगे, 15 नहीं 20 किलोमीटर आगे। मकसद यह है कि माल रोड की बात हो रही है, माल रोड की ब्यूटिफिकेशन के आर्डर हैं, बात मुझे पूरी करने, मुझे पूरी करने दें ना बात। ये शादी लाल बिल्डिंग जो है ये चार दुकानों के साथ मुकम्मल होती है, शादी लाल बिल्डिंग के ऑर्डर है ना, माल रोड हर रोड का नहीं है मसला। अच्छा, आपके आपके नज़दीक ये शादी लाल बिल्डिंग जो है वो कॉर्नर तक है? क्यों जी, आप एग्री करते हैं? ये वहाँ पे आप सब कुछ पेश कर चुके हैं आज, तो जज साहब ने कल सुबह का कहा था कि हम कल सुबह ऑर्डर करूँगा, लेकिन ये लोग आज ही आ गए हैं, जबकि हमारा मौका था कि ये हॉल रोड के ऊपर है, इसका माल रोड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो सर ने बताया अलग है, ये बिल्डिंग अलग है भाई, जो सर ने बताया है वो ये बताया है कि शादी लाल बिल्डिंग जो है वो कॉर्नर तक है, आपके पास इसका कोई जवाब है? नहीं, मैं तो नीचे देखा, यहाँ से चिंगारियाँ निकलने का सिलसिला भी जारी है और कटाई का सिलसिला भी जारी है, बड़ी हैवी मशीनरी डिप्लॉय की गई है इस ऑपरेशन को और इस बिल्डिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए, और पुरानी जो इसकी खूबसूरती है उस लिहाज से इसे बहाल करने के हवाले से, और आप देख सकते हैं कि ये बहस का सिलसिला अभी भी जारी है और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई नतीजा निकले। तो सर एक्सक्यूज टाइम, तो ये आप समझ रहे हैं कि कॉर्नर तक नहीं है ये बिल्डिंग? हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कॉर्नर तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर जो है ना, ये सुबह खान का है। मार रोड की बिल्डिंग्स के हवाले से और उनकी रिवाइवल के हवाले से और उनका हुस्न जो है उसे बेहतर अंदाज में दोबारा बहाल करने के हवाले से ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर, और जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है इस बिल्डिंग की पुरानी खूबसूरती और जो माजी में इसका हुस्न था उसको बहाल करने के हवाले से, इसको तारीखी बिल्डिंग का चूंकि दर्जा दिया गया था और इसे 1921 की जो नक्शे हैं उसके मुताबिक ढालने के हवाले से ऑपरेशन का जो है सिलसिला आज शुरू किया गया, और इस ऑपरेशन का सिलसिला जब शुरू किया गया तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया और यहाँ से ये चलते चलते हार रोड की तरफ मुड़ा है, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन हो रहा है और लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ये सारे का सारा जो है वो सामान उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और बड़ी हसीन और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसके आप देखिए जिस खूबसूरत अंदाज में इसकी बालकनीज बनाई गई हैं और बहुत खूबसूरत और हसीन ये बिल्डिंग है, और इसको दोबारा से अपनी असल हालत में बहाल करने के हवाले से ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कॉरिडोर कायम करके नई बिल्डिंग्स जो हैं वो कायम कर दी गई थी, और इन नई बिल्डिंग्स को जो है जो अंदर इसके कॉरिडोर था उसको गिराने का सिलसिला आज शुरू हुआ। इसमें आप शटर्स भी देख सकते हैं और उस कॉरिडोर को जो इस बिल्डिंग से रिलेटेड था उसकी बहाली के हवाले से ये सारा काम जो है अभी जारी और सारी है,
और इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे क्रेन अभी भी काम कर रही है और इस ऑपरेशन को तकरीबन 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे से इस ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ये वो सारा कॉरिडोर बहाल करने के हवाले से और इसको गिराने के हवाले से सारे का सारा जो ऑपरेशन था वो आपको लम्हा बलम्हा दिखाया। और इसमें एसी सिटी जो है वो अपने मौके पर डटे रहे, उनका कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है और लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अदरवाइज जो है वो घर नहीं जाएंगे। लिहाजा उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया है और ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। दूसरी पार्टी की जानिब से कहना था, जो ताजर हजरात जिन्होंने सी एम ए आज दाखिल की थी उनकी जानिब से ये मौके इख्तियार किया गया कि उन्हें कोई ऑर्डर दिखाया जाए, लेकिन एसी सिटी की जानिब से बताया गया कि उन्हें जज साहब की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं और उसको फुली लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इसमें मुतलका SHO पुलिस की भारी नफरी डिप्लॉय की गई और बल्दिया उज़्मा की टीम, इसके अलावा एसी सिटी के अलावा उनका दीगर अमला शामिल था। बड़े पैमाने पर जो बल्दिया उज़्मा के लोकोमोटिव थे वो और दीगर अमला जो है इसमें अपना रोल प्ले करता आपको दिखाई दिया। चैनल्स की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और सबसे बढ़कर इस सारे सिनेरियो को कवर करने के हवाले से प्रोग्राम तमाशा जो है वो एक एक लम्हा आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से बहुत सारी लीगल बहस भी आपको सुनवाई कि मामला जो हैं वो क्या थे। और अब ये सिलसिला है कि ये वो चार दुकानें भी इसमें शामिल हैं जो इस बिल्डिंग को मुकम्मल करती हैं और ये वो बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी अगर आप देखा जाए जहाँ से हमने शुरू किया आपको, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को इसका असल हुसन और ये मार रोड पर बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिनको रिवाइव करने के लिए और मार रोड की खूबसूरती को बहाल करने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के जो है वो खसूसी अहकाम आ चुके हैं। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर आज दादा साहब के हवाले से, दादा साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, दादा साहब की बेसमेंट में पार्किंग के हवाले से, वहाँ कूड़ा करकट के हवाले से और कूड़ा करकट फेंकने वाले को जुर्माने के हवाले से बड़ा वसी तरीन जो है वो आज ऑब्जर्वेशंस भी दी गई और रिमार्क्स भी दिए गए और बड़े खसूसी और अहम तरीन फैसले भी दिए गए, जिसमें ये बताया गया कि उस सारे इलाके को तजावजात से ना सिर्फ पाक किया जाए बल्कि उसकी रानाई और खूबसूरती बहाल की जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अकीदतमंद और दीगर लोगों ने आना होता है। वहाँ उर्स शरीफ भी जब हो बड़े पैमाने पर लोगों का जो है वो जमे गफीर वहाँ का रुख करता है, बहुत अकीदतमंद वहाँ आते हैं। अब ये मार रोड की आपको बिल्डिंग्स की सूरत हाल दिखा रहे हैं और इन बिल्डिंग्स को रिवाइव करने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के खसूसी अहकाम भी आपको दिखा रहे हैं और इन अहकाम की रोशनी में बल्दिया उज़्मा और दीगर जो टीमें हैं और एसी सिटी की सरबराही में ये सारे का सारा ऑपरेशन जो है इस वक्त मौजूद है। और इस ऑपरेशन को करते हुए आपको दिखाएं कि जो लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बिल बोर्ड्स के हवाले से, और वो बिल बोर्ड जो हार रोड पर लगे होते हैं और बहुत सारे बिल बोर्ड्स जो है 64 के करीब बिल बोर्ड्स पिछले कुछ दिन पहले उतारे भी गए और आने वाले दिनों में भी कमिंग संडे को इन बिल बोर्ड्स को उतारने का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा। इंतजामिया एग्जीक्यूटिव और बल्दिया उज़्मा जो है उनको भी चाहिए, मेयर साहब की टीम्स को भी चाहिए कि इन सारे ऑपरेशंस को वो कंडक्ट करें और फुली लेटर एंड स्पिरिट लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम की बजावरी करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। फहद शहबाज खान को मार रोड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।